एस्कॉर्ट के बाद इनके पास भी दो है और इनके पास भी ओके इनके पास जीरो था। तो यस एक कह सकते हैं कि अगर सारे फर्स्ट एड मिलाए गए तो बहुत ही ज्यादा प्यारा एक हील बैटल भी हमें देखने को मिल सकता है। मुझे नहीं लगता है यहाँ पे नियो के पास कोई नेट्स वगैरह है। बाकी जो टीएसएम के मेंबर्स हैं वो लूट करके आएंगे, उनके पास नेट वगैरह मिलेगा और नेट किया जाएगा क्योंकि पावर हाउस के जो मेंबर है वो जस्ट नीचे ही है और नियो ने इनको स्पॉट किया है। पावर हाउस के सक्सेना जी दूसरे साइड में एक लोटॉस नोड और लोटॉस नेड और दो मेंबर नॉकडाउट होते हुए नजर आ सकते हैं पावर हाउस के। यहां से निकलना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, बट जी कॉट का एक अच्छा खासा फ्लैंक आता हुआ सक्सेना जी को उन्होंने स्पॉट किया और ये नेट क्या सक्सेना जी पे पड़ेगा और वो नॉक्ड आउट होते हुए नजर आएंगे नहीं दिखाएगा, बट काफी जल्दी वो नेट फेंका गया। सत्तर का होने का चांस उनको मिला और खुद को उन्होंने बचाया। जीकॉट अभी भी ऊपर के साइड पे नहीं, दूसरे साइड से रोटेट कर रहे। जीकॉट के पास एक नेड है और अब ये वाला नेड तो कंफर्म करता हुआ नजर आएगा। आनंद जी कंफर्म से नॉक होंगे या नहीं देखना पड़ेगा। एक मॉल किया गया है, एक नेड नीचे के साइड पे, बट वो नेड बहुत ज्यादा दूर निकल गया, बाउंस होके वो नेड दूसरी साइड पे गया और ये वाला भी नेड काफी ज्यादा दूर निकल गया। अब TSM को जोन के अंदर निकलना पड़ेगा, 14 मीटर्स दूर इनको जोन के अंदर निकलना है। बाकी मेंबर्स की बात करें तो पावर हाउस के मेंबर अभी भी जोन के अंदर है। गॉट TSM जी गॉड का दिमाग गाड़ी फोड़ी और दो मेंबर डाउन किया गया सक्सेना जी पीछे के साइड पे और इसी के साथ TSM किसी भी वक्त चिकन डिनर निकालते हुए नजर आएगी या नहीं, बट नहीं सक्सेना जी ने TSM के तीन मेंबर को डाउन किया। क्लच गॉड की एचपी केवल एक है, सक्सेना जी अपने आप को हील करेंगे। पूरे मैच का रुख बदलता हुआ सक्सेना जी वर्सेस क्लच गॉड, 1v1 का सिचुएशन। क्लच गॉड सामने पीपी पे स्विच किया, क्लच गॉड को डैमेज करने की कोशिश की, मिनी उनके सामने शॉट देने की कोशिश करे, रीलोड था, चिकन डिनर फॉर पावर हाउस स्क्वाड। क्या मैच था ये, क्या मैच था सक्सेना जी, टोटल 5 किल्स के साथ और पावर हाउस पे टोटल 6 किल के साथ उन्होंने चिकन डिनर निकाला था। ये एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं था।